न्यू दुर्गा ज्वेलर सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। स्वास्थ्य और सुरक्षा मेक इंडिया नंबर वन का जो लॉन्च किया है आदरणीय केजरीवाल साहब ने, वो एक विजन है। मैं अगर ये कहूँ कि विजन डॉक्यूमेंट है तो निसंदेह उसमें कोई गुरेज नहीं होगा। आने वाला समय जो है, क्योंकि अगर शिक्षा स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया तो हमें लगता है कि हम उसी के मूलभूत सुविधाओं से वंचित करने का काम करेंगे, अधिकतम जो हमारे देश की आबादी है उसको। मेरी सभी लोगों से अपील है, चाहे आप बीजेपी के हो, चाहे आप कांग्रेस के हो, चाहे आप आम आदमी पार्टी के हो, चाहे आप इस पार्टी के हो, चाहे उस पार्टी के हो, पार्टीबाजी नहीं कर रहे हम लोग। हमारा मकसद है जनता को जोड़ना। जो जो लोग इस देश को दुनिया का नंबर वन देश देखना चाहते हैं, आप सब लोग इस मुहिम से जुड़िए। इस मुहिम से जुड़ने के लिए इस नंबर पर मिस्ड कॉल करनी है, 9510000100। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, 9510000100। भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाने का क्या मतलब है? हमें इस देश के हर बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा। हमें इस देश में हर भारतीय के लिए अच्छे इलाज का इंतजाम करना पड़ेगा। हमें इस देश में हर व्यक्ति के लिए बिजली, पानी, रोजगार का, हर युवा के लिए रोजगार का इंतजाम करना पड़ेगा। भाषण देना बड़ा आसान है, मैं भी भाषण दे सकता हूं दुनिया का नंबर वन देश बनाएंगे, लेकिन काम करना बड़ा मुश्किल है, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और इन सारी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है, वो है शिक्षा। मुझे लगता है 1947 में हम लोगों से एक गलती हुई थी। जैसे ही देश आजाद हुआ, आजाद भारत को सबसे ज्यादा तवज्जो शिक्षा पे देनी चाहिए थी। 1947 में ही हमें मिशन मोड में, वॉर मोड में, हर गांव के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर अच्छे सरकारी स्कूल, फ्री शिक्षा, शानदार शिक्षा का इंतजाम करना चाहिए था। लेकिन दुख की बात यह है कि आजादी के वक्त भी नहीं किया और अब 75 साल के अंदर भी हमने शिक्षा के ऊपर उतनी तवज्जो नहीं दी। लेकिन अब और इंतजार नहीं कर सकता भारत, अब हमें वॉर मोड में पूरे देश के अंदर अच्छी और फ्री शिक्षा का इंतजाम करना है। मैंने आज ही चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी ने अभी 5 सितंबर को ऐलान किया कि 14,500 स्कूलों को केंद्र सरकार पूरे देश में अपग्रेड करेगी। बहुत अच्छी बात है, हम बधाई देते हैं उनको। लेकिन देश में 10 लाख सरकारी स्कूल हैं। अगर 14,500 स्कूलों को किया जाएगा तो 100 साल लग जाएंगे सारे सरकारी स्कूलों को ठीक करने में। अब भारत इंतजार नहीं कर सकता, 130 करोड़ लोग बेचैन हो रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन है, मैंने आज ही चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी को, कि सारी राज्य सरकारों को एक साथ लीजिए और वॉर मोड में, मिशन मोड में हम अपने 10 लाख सरकारी स्कूलों को 5 साल के अंदर ठीक करके दिखाएंगे। इसका प्लान बनाते हैं, सारे सरकारी स्कूलों को शानदार बनाएंगे। दिल्ली में हमने सरकारी स्कूलों को ठीक किया, पूरे देश के अंदर भी ठीक कर सकते हैं, हम उसके लिए तैयार है। जो मदद हमसे चाहिए हम उसको करने के लिए तैयार है। दिल्ली में हमने कम पैसे में और बहुत शानदार स्कूल बना दिए। अब पंजाब के अंदर मान साहब सरकारी स्कूलों को ठीक करने में लगे हुए हैं, वहां भी ठीक करेंगे। पूरे देश के अंदर अपने को मिलकर करने हैं।